अच्छा, विराट कोहली से आपका फेस रिजेंबल करता है। टूर्नामेंट के 7 मैच में विराट कोहली के 75 और फाइनल में 76। He is a man for big matches. पूरे इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो जिस मैच में सबसे ज्यादा जरूरत थी उस मैच में विराट ने रन बनाया, तो वो बहुत ही जरूरत थी उस चीज की। और उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनल्स में कोहली ने परफॉर्म किया एंड देन बॉलर्स बुमराह डिड अ फैंटास्टिक जॉब, जिसकी वजह से आई थिंक हम जीते भी हैं। इसको लोग चक दे इंडिया से भी रिलेट कर रहे हैं, पहले वो खेलते हुए हारे और अब वो एज अ कोच जीते, के लिए भी एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट है। यहीं से तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। 2011 का वर्ल्ड कप भी हम जीते थे, तो आई थिंक एमएस धोनी ने तैयारी उसकी 8 और 9 से शुरू कर दी। तो 2027 अगर देखना तो जीतना है तो उसकी तैयारी डेफिनेटली अभी से शुरू होनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम जो है स्वदेश लौट चुकी है। 1983, 2007, 2011 और अब 2024 में भी कीर्तिमान भारत ने हासिल किया और भारतीय क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये साल लिखे जा चुके हैं। देश भर में इस समय क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो जश्न में इस समय डूबे हुए हैं। सबसे पहले भारतीय टीम दिल्ली पहुंची और यहां आकर के पीएम मोदी से मिलने गई और उसके बाद मुंबई के मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम में जश्न हुआ। हमारे साथ इस समय करण कौशल मौजूद हैं और आप अगर देखेंगे इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये विराट कोहली हैं या विराट कोहली के हमशक्ल हैं। बिल्कुल फेस जो है रिजेंबल करता है विराट कोहली से। इनसे बात करेंगे। सुबह ITC मौर्या भी ये गए थे जब भारतीय टीम वहाँ पर पहुँची और जश्न मना रहे थे। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि भारतीय टीम 13 साल का सूखा था वर्ल्ड कप का वो पूरा किया। अच्छा, विराट कोहली से आपका फेस रिजेंबल करता है और टूर्नामेंट के 7 मैच में विराट कोहली के 75 और फाइनल में 76, पहले उससे मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा। आई थिंक ही इज अ मैन फॉर बिग मैचेस। तो जिस मैच में सबसे ज्यादा जरूरत थी उस मैच में विराट ने रन बनाया, और अगर वो रन ना बनते तो वर्ल्ड कप नहीं आता। इनके अलावा और भी जो कंट्रीब्यूशन रहा खिलाड़ियों का, जैसे हम देखें अक्षर पटेल का एक जो उनके साथ पार्टनरशिप हुई या फिर शिवम दुबे की पार्टनरशिप हुई, उसको कितना ज़्यादा आप क्रेडिट? डेफिनेटली वो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। विराट के साथ जो अक्षर और हार्दिक पांड्या ने जो रोल और जो पार्टनरशिप दी है और जिस पेस से रन बनाया है स्पेशली अक्षर ने, इट वॉज ट्रिमेंडस। बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की। और बाद में विराट ने भी आफ्टर आई थिंक 50 जिस हिसाब से उन्होंने अपना रन रेट बढ़ाया, स्ट्राइक रेट बढ़ाया, वो बहुत ज़रूरत थी उसकी और बहुत अच्छी इनिंग थी वो। जब भारतीय टीम यहाँ पहुँची, ऐसे तो इनको 2 तारीख को पहुँचना था लेकिन वहाँ मौसम लगातार ख़राब था, अपडेट आ रहे थे वहाँ पर सिविल फ्लाइट्स नहीं चल रही थी और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन जो है BCCI की तरफ से भेजा गया, जर्नलिस्ट भी उसमें आए, क्रिकेट फैंस भी उसी में आए और अब वो देखा विराट कोहली परिवार के साथ मिले, तो वो रिलैक्सिंग मोमेंट्स जो है परिवार के साथ एंजॉय किए कोहली? बिल्कुल किए, मैंने कुछ क्लिप्स देखी। इनफैक्ट मैं ITC मौर्या गया था सुबह, उसके बाद मैं ऑफिस आ गया। कुछ क्लिप्स ज़रूर देखी हैं और फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जितना ही एक प्लेयर के लिए होता है उतना एक फैमिली का होता है। मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे पता है हार और जीत का क्या मतलब होता है खुद के लिए और फैमिली के लिए। आप कप्तान भी हैं अपनी टीम के? हाँ, मैंने कुछ कॉर्पोरेट टीम्स हैं जिसमें मैं कप्तानी करता हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि हार और जीत का क्या मतलब है। और ये तो एक छोटी सी कॉर्पोरेट टीम है, इंडिया के लिए कप्तानी करना और उसके लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कप्तानी की बात की, हमने देखा है लगातार 19 नवंबर 2023 के बाद से रोहित शर्मा अगर टूर्नामेंट जीत भी रहे हैं तो वो चेहरे पर खुशी नहीं है, कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमने हार दिया। उसके ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल रहे थे, हम भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो तो उस टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन आज देखा गया कि जब वो आए और ITC मोरे आप भी वहीं थे तो वो नाच रहे हैं भांगड़े पर और वो रिलैक्सिंग, वो उनके चेहरे से पता लग रहा है कि नहीं अब वाकई में जो है वो रोहित शर्मा रिलैक्सिंग मोड में, क्योंकि कप्तान के नाते पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल जिम्मेदारी थी। 2019 में जैसे हम खेले हैं, जिस हिसाब से खेले हैं, वो वर्ल्ड कप हमारा ही था। खैर वो दिन हमारा नहीं था जिसकी वजह से हम वो कप नहीं जीत पाए, और 6 महीने से उनके भी दिमाग में था कि मेरे को परफॉर्म करना। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा जो उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनिंग्स थी, जो उन्होंने जो उसमें छक्के लगाए हैं, जो पैट क्यूमिंस को बैठ के छक्का मारा है और बैक फुट पे कवर ड्राइव, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट्स थे और उसमें दिख रहा था कि वो कितना मतलब कितना चाहते हैं कि वो जीतना चाहते हैं कप। तो वो बहुत ही ज़रूरत थी उस चीज़ की, और उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनल्स में कोहली ने परफॉर्म किया एंड देन बॉलर्स बुमराह डिड अ फैंटास्टिक जॉब, जिसकी वजह से आई थिंक हम जीते भी हैं।
चूंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं कि एक खेल मैदान में चलता है और एक मेंटल गेम भी साथ में चलता रहता है, और जब इतने बड़े टूर्नामेंट विश्व कप में आप जाते हैं, एक फैमिली सपोर्ट साथ में रहता है, जैसे कई सारे क्रिकेटर्स के फैमिली मेंबर्स उनके साथ थे। आज देखा गया कि जब पीएम मोदी ने मिलने के लिए बुलाया, पहले खिलाड़ियों से मिले, चर्चा की और एक अच्छा वहाँ पर गॉसिप चल रहा था, फिर परिवार के सदस्यों से भी वो मिले पीएम मोदी, उनके साथ भी वो फोटोज़ उनके भी सोशल मीडिया पर आए कि परिवार के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी हैं पीएम मोदी ने। तो इसको किस तरीके आप देखते हैं, फैमिली को जब इन्वॉल्व किया जाता है? आई थिंक फैमिली तो इन्वॉल्व है ही, राइट? अगर आप खेल रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप फैमिली से बाहर हो, और फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब हो नहीं सकता। तो जितना ही खिलाड़ी एक प्लेयर खुश होता है, उतनी उसकी फैमिली खुश होती है, और फैमिली की सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। और पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, फैमिली को भी बुलाया और उनको भी शाबाशी दी, है ना? अच्छा, बीसीसीआई का ये गेस्चर आप कैसे देखते हैं? एक तो उन्होंने 125 करोड़ की अनाउंसमेंट की, ऑब्वियसली अभी रिच बोर्ड बन चुका है बीसीसीआई, लेकिन जो बारबाडोस में फंसे हुए थे, केवल क्रिकेटर्स नहीं थे, जो फैंस थे, जैसे सुधीर चौधरी जो सबसे बड़े फैन सचिन के हैं या फिर धोनी के फैन, वो वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको भी लाया गया। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, 20 ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे इंक्लूडिंग विक्रांत गुप्ता, वो भी वहाँ पर फंसे हुए थे, उन सबको एक साथ टीम इंडिया के साथ ही लाया गया। बहुत अच्छा किया और होना भी चाहिए, वहाँ सब लोग इंडिया को सपोर्ट करने गए हैं और इंडियंस को ही वहाँ से लाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट टीम वहाँ से आई है टाइम से, तो जितने भी लोग वहाँ पे, जितनी भी फैन फॉलोइंग स्पेशली मीडिया से जो भी लोग गए थे, सब वापस आए हैं टाइमली, तो विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर अभी हम देखें तो राहुल द्रविड़ का उस दिन आपने एग्रेशन देखा होगा, जीत के बाद जब कप विराट कोहली ने दिया राहुल द्रविड़ को, उसके बाद वो पूरा एग्रेशन काम द्रविड़ से हमने एग्रेसिव द्रविड़ को देखा, और उसमें ये भी बताया जा रहा है जैसे 2007 वर्ल्ड कप हुआ था, वो कप्तान थे और वेस्ट इंडीज़ में हार हुई थी और कप्तानी उनकी चली गई थी, तो 17 साल बाद उनका वो सपना पूरा हुआ वर्ल्ड। इसको लोग चक दे इंडिया से भी रिलेट कर रहे हैं, पहले वो खेलते हुए हारे और अब वो एज अ कोच जीते, और उन्होंने रिटायरमेंट भी ली है एज कोचिंग रोल से, तो उनके लिए भी सिमिलर लाइंस पे बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आप देखोगे कितने सालों से वो इंडिया की बॉल रहे हैं, 2007 में कैप्टन थे, हार गए थे, और वो वर्ल्ड कप आई थिंक वो ज़्यादा, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स जो जल्दी बाहर हो गई थी, राइट? तो वो वर्ल्ड कप ज़्यादा मीडिया में भी नहीं आया और वो ज़्यादा आई वुड से हिट भी नहीं हुआ, और उसके बाद 2011 में जब जीते तो वो टीम के पार्ट नहीं थे, और उसके बाद अब जाके वो टीम के पार्ट थे 19 में और 23 में, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट है कि हम फाइनली जीते। आपने राहुल द्रविड़ की रिटायरमेंट की तो बात की, लेकिन एक तरफ हमने कप जीता है, लेकिन एक तरफ बड़े खिलाड़ी अब हम मिस करेंगे T20 में। विराट कोहली ने अपना सबसे पहले रिटायरमेंट अनाउंस किया कुछ देर में, रोहित शर्मा, फिर रविंद्र जडेजा, KL राहुल की भी खबरें आ रही है, उन्होंने भी रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया T20 से, तो इसको आप कैसे देखते हैं इनका रिटायरमेंट इस समय? आई थिंक रिगार्डिंग T20 वी कैन डेफिनेटली वॉच देम इन IPL, राइट? एंड दे आर सो मेनी यंगस्टर्स लाइंड अप, राइट? तो ऐसा नहीं है, भारतीय क्रिकेट स्पेशली T20 बहुत ही अच्छे हाथों में है, राइट? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, रिंकू सिंह हैं, गायकवाड़ हैं, शुभमन गिल हैं, सो अर्शदीप हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भारतीय क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे T20 में। और रही बात विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, KL राहुल, ये लोग अभी भी कंटिन्यू करेंगे ODI और टेस्ट में, तो जिसमें क्रिकेट को उनकी ज़रूरत है। ODI की आपने बात की, अभी ODI वर्ल्ड कप जो हम जीतते रह गए थे, उसका सपना अभी बाकी है कि एक और कप हमारी टैली में। अब 2027 पर नज़रें हैं वर्ल्ड कप पर, तो उसके लिए क्या लग रहा है, आप यहीं से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब गौतम गंभीर एज अ कोच संभालेंगे, यहीं से क्या 2027? डेफिनेटली यहीं से तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। 2011 का वर्ल्ड कप भी हम जीते थे, तो आई थिंक MS धोनी ने तैयारी उसकी 8 और 9 से शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गई थी, तो वहीं से वो तैयारी शुरू हो गई थी। आई थिंक उनकी मूवी में भी ये चीज़ दिखाई गई है। तो 2027 अगर देखना तो जीतना है, तो उसकी तैयारी डेफिनेटली अभी से शुरू होनी चाहिए, और कोहली और रोहित उसमें बहुत रोल उनका इम्पोर्टेंट रहेगा। आखिरी कमेंट, कितने खुश हैं? वो एक्साइटमेंट कभी कभी शब्दों में तो बयान हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी भारतीय टीम वापस पहुंची वर्ल्ड कप लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट था, स्पेशली जब इंडिया जीती, उसको डेफिनेटली शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत इमोशनल मोमेंट था आई थिंक फॉर द होल इंडियन टीम। एंड उसके बाद सुबह जब मैं एयरपोर्ट गया उन इंडियन टीम को मिलने, विजिट करने, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद ITC मौर्या बहुत ज़्यादा, आई थिंक होल नेशन इज़ प्राउड ऑफ देम, एंड आई थिंक अब वो मुंबई भी जा रहे हैं फॉर रैली, तो सब लोग उनकी वहाँ भी वेट कर रहे हैं।
तो पूरे इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ करण कौशल, जो कि विराट कोहली का आप कह सकते हैं एकदम हमशक्ल हैं, और खुद क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट टीम में जो है कैप्टनसी भी करते हैं कॉरपोरेट क्रिकेट में, तो जानते हैं कि एक कॉरपोरेट क्लब में भी किस तरीके प्रेशर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और वो एक वर्ल्ड कप जीत करके आना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय टीम ने किया है, बधाई के पात्र वो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें।